अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती, आपकी सलामती के लिए मैं हमेशा के लिए दुआ गो रहूँगा। आज हम इस वीडियो में पैराग्जल टेबलेट्स की मालूमात शेयर करेंगे। पैराग्जल टेबलेट्स ये जहन से मुतालिक जो बीमारियाँ होती हैं तो उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आइए इन टेबलेट्स की तफसील को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। कंपोजिशन इसकी पढ़ते हैं कि इसके अज्जाए कौन से हैं। तो इसमें पेरोक्सेटिन 20 मिलीग्राम शामिल है। इसकी एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट्स होती हैं और इसी तरह कीमत इसकी है 247 रुपीज़, 247 रुपीज़। ये टेबलेट्स जहनी दबाव के लिए मुफीद है। अगर किसी के जहन पर दबाव आता हो तो ये टेबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यह टेबलेट डिप्रेशन को खत्म करती है। जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है तो उनके लिए ये मुफीद है। यह टेबलेट दिल में घबराहट के लिए मुफीद है। जिन लोगों का दिल घबराता है तो ये भी एक बीमारी है, तो उनके लिए भी ये टेबलेट्स मुफीद हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जहन पर बोझ के लिए मुफीद है। जिन लोगों के जहन पर बोझ आता हो मामूली बातों से तो वो ये टेबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए ये मुफीद है। अच्छा, इसके अलावा पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस, ये भी एक किस्म की जहनी दबाव है। यानी किसी गुजरे हुए हादसे की वजह से जहनी परेशानी का शिकार होने वाले लोगों के लिए मुफीद है। जब कोई पास्ट में कोई ऐसा हादसा गुजरा हो जो जहन पर हर वक्त सवार हो, जहन से नहीं निकलता हो और उससे किसी इंसान की जहनी परेशानी बनी हुई हो, तो ऐसे लोगों के लिए पैराग्जल टेबलेट्स मुफीद है। वो इस मकसद के लिए भी, यानी इस मसले को के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर ये भी किसी के सामने एक खतरनाक सा वाक्य रोनुमा हुआ हो और बाद में वो खौफ महसूस करे, मतलब उसके जहन में बस उस वही वाक्य उसके जहन में हो और उसको खौफ महसूस होती हो, तो ऐसे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल फोबिया, ये भी एक किस्म की जहनी बीमारी है। दूसरे लोगों यानी जो लोग दूसरे लोगों से मिलने से नफरत महसूस करते हैं या एहसास कमतरी का शिकार होते हैं तो इसको सोशल फोबिया कहते हैं साइंसी जुबान में। तो ऐसे लोगों के लिए भी पैराग्जल टेबलेट्स इस्तेमाल करना मुफीद है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के वहम की बीमारी हो तो इनके लिए भी इन टेबलेट्स का इस्तेमाल बेहतरीन है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो इसकी बेनिफिट्स थी। तो अब इसके साइड इफेक्ट्स को पढ़ते हैं कि पैराग्जल टेबलेट्स की मुमकिन साइड इफेक्ट्स क्या होती हैं, क्या हो सकती हैं। तो इससे मतली आ सकती है, उल्टी लग सकती है, जिस्मानी कमजोरी पैदा हो सकती है, सर चकरा सकता है जिसको इंग्लिश में ड्राउजीनेस कहते हैं, पेट खराब हो सकता है, पेट में दर्द महसूस होता है हो सकता है और दिल की धड़कन तेज हो सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है ये हजारों में किसी एक बंदे को हो सकती है। फिर भी इनमें कोई भी आपको फील हुआ तो फिर पैराग्जल टेबलेट्स का इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर से मशवरा करें, और मशवरे के बाद जैसा डॉक्टर सजेस्ट करे वैसा ही आप जारी रखें। बेख्वाबी भी हो सकती है। अच्छा, ये भी इसके एक साइड इफेक्ट है। अब काउंटर इंडिकेशंस को पढ़ते हैं कि किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर इस्तेमाल करना चाहे तो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल उनको करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं। दिल के मरीज जो है वो इस्तेमाल ना करें। हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं, मतलब जो एलर्जी रखते हो इसके अज्जा से, तो वो इस्तेमाल ना करें। हामिला खवातीन इस्तेमाल ना करें, करना चाहे तो डॉक्टर से मशवरे के बाद। इसी तरह दूध पिलाई थी माएँ जो हैं वो भी डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें। गुर्दे के मरीज वाले इस्तेमाल ना करें, और जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं तो वो भी यूज़ ना करें। जिगर के अर्जे में मुबतला, जिन लोगों को जिगर के अर्जा यानी जिगर की बीमारी हो तो वो यूज़ ना करें, और ग्लोकोमा आंखों की एक बीमारी है तो वो भी इस्तेमाल ना करें। तो ये थी इन टैबलेट्स की काउंटर इंडिकेशंस। अच्छा, अब इसके तरीके इस्तेमाल को पढ़ते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सिंपल है, एक टेबलेट रोजाना खाने के बाद इस्तेमाल करें मॉर्निंग टाइम में, बस यही इसका तरीका इस्तेमाल है। तो डियर व्यूअर्स, ये थी पैराग्जल टेबलेट्स के यूजेस, साइड इफेक्ट्स, काउंटर इंडिकेशंस और तरीके इस्तेमाल।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।